मेरा ये बोलना है, कौन ऐसा उल्लू ठेकेदार होता है जिसमें पुलिया पाइप नहीं लगाता है? कौन ऐसा ठेकेदार होता है जो कि पैसा बचाने के चक्कर में यहाँ पे कई परिवार रहते हैं उस सब घर में पानी घुसता है? ऐसे ठेकेदारों का लाइसेंस और ऐसे ऐसे लोगों को जो काम में कोताही बरतते हैं उनको तो पहले काम ही नहीं मिलना चाहिए, ताकि ऐसे ऐसे लोगों को जो है तकलीफ ना हो, दिक्कत ना हो। अब देखिए पानी का स्थिति देखिए, इधर खेत है और इधर पानी भरा है, कोई पुलिया का निर्माण नहीं। देखिए ये हालत है, नली बनाते बच्चा लोग को मुखिया के वीडियो भी बना दिखाते हैं सर, तो कुछ भी नहीं करते सर। मुखिया सबके मुखिया का लड़का भी दिखाया है कि देखिए घर में क्या हाल है। चलिए सर ना, पूरा यहाँ पूरा ढक लिया था, पानी इतना था, पानी हो गया था सर एक दिन में। उधर सर बहुत तकलीफ में रहता है सर, मगर जो कहता है तो कुछ सुन भी नहीं करता है मुखिया। में तो क्या जब यही सामने सर बहुत सारे राज्य हैं, लेकिन अजूबा तब होता है जब झारखंड राज्य के बारे में आपको बताएंगे। ये वहां से देखिए सड़क है और कहीं से भी पास होने के लिए कोई भी पुल पुलिया का निर्माण नहीं किया गया है। आप गौर से एक बार दिखाएंगे फिर से, वो सड़क है और इधर खेत है, उस साइड भी खेत है, लेकिन बीच में रास्ता है, पानी पास होने के लिए कहीं भी पुल पुलिया का निर्माण नहीं हुआ है। एक बार मेरे साथ दौड़ेंगे और दिखाएंगे कि क्या हालत है यहाँ पे। यहाँ से लेकर के पूरा स्थिति देखिए, पूरा देखिए, इधर देखिए, कहीं भी आपको नजर नहीं आएगा पुलिया। बस आप लोगों से कहना, ये सड़क है और ये सड़क में हम लोग खड़े हैं। अब जरा हम एक बात आप लोगों से पूछना चाहते हैं, जब कोई दर्जी आपका फुल पैंट शर्ट सीता है तो उसमें पेशाब करने वाला जगह जो होता है उसको बंद कर देते हैं क्या आप लोग? खुला रहता है ना जी, तब ना आदमी पेशाब वेशाब करता है। वैसे हालत है ये सड़क का, सड़क तो बना है लेकिन सड़क के अंदर पानी पास होने वाला जगह नहीं बना है। मेरा कहना यह है कि आप लोग सड़क बनाते हैं, आप लोग सब कुछ काम करते हैं, तो उसमें अगर यदि आप लोग सही तरीके से निर्माण नहीं करेंगे पुलिया का, तो इधर का पानी उधर कैसे पास होगा? यह हालत है झारखंड का और इससे त्रस्त है यहाँ के लोग, गांव के लोग। अब देखिए कोई फुल पैंट सीता है, कोई टेलर दर्जी, तो उसमें जीप जरूर लगाता है, चेन जरूर लगाता है, ताकि वो समय पे पेशाब कर पाए। अब सोचिए इससे कैसे इधर पानी आएगा, इस घर में पानी घुसेगा कि नहीं। यह हालत है झारखंड का, पानी घुसता है घर में। हाँ सर, घुसता है पानी, पूरा ढेक लेता है। मुखिया नहीं जाता देखने के लिए, तो बोलता है कि जा अपना डोजर से कटा लीजिए पानी, मतलब बाहर कर लीजिए। तो रोड बना रहे थे मुखिया जी, तो उसमें नहीं देखे? नहीं, हम कहा के देखेंगे, हम क्या करेंगे, हम जो है ना जो कर दीजिए। बोलते हैं मुखिया जी? हाँ सर, इसने बोलता है सरकार के बोलिए। हाँ, कितना दिन से इस सब में आप लोग पीड़ा में है, दर्द में है? साल भर हो रहा है सर, साल भर, 2 साल से हो रहा है सर। ये लोग 2 साल से? हाँ सर। कितना साल से है यहाँ? 2 साल से नहीं सर, 10 साल रहने में। चलिए ना आगे दिखा रहे हैं, आरो दिखा रहे हैं। अब देखिए गांव में तकलीफ है, तो ये भीड़ थोड़ा दूर जाके दिखाएंगे। मेरे साथ जो भीड़ जा रहे हैं ना, वो अपना दुख है तभी मेरे साथ चल रहा है। अगर दुख नहीं होता तो ये लोग तमाम लोग मेरे साथ नहीं चलते। थोड़ा दिखेंगे, चलिए आगे किस जगह पे है। और मेरा यही कहना है कि आप लोग सड़क बनाते हैं, आप लोग व्यवस्था सब ठीक करते हैं, दुरुस्त करते हैं, तो सड़क में हो रही अनियमितता को आप लोग ध्यान में क्यों नहीं रखते हैं? मेरा ये बोलना है, कौन ऐसा उल्लू ठेकेदार होता है जिसमें पुलिया पाइप नहीं लगाता है? कौन ऐसा ठेकेदार होता है जो कि पैसा बचाने के चक्कर में यहाँ पे कई परिवार रहते हैं उस सब घर में पानी घुसता है? ऐसे ठेकेदारों का लाइसेंस और ऐसे ऐसे लोगों को जो काम में कोताही बरतते हैं उनको तो पहले काम ही नहीं मिलना चाहिए, ताकि ऐसे ऐसे लोगों को जो है तकलीफ ना हो, दिक्कत ना हो। अब देखिए पानी का स्थिति देखिए, इधर खेत है और इधर पानी भरा है, कोई पुलिया का निर्माण नहीं। देखिए ये हालत है घर का, गांव का, और यही गांव में मुखिया जी भी रहते हैं। सबसे बड़ा विडंबना का बात यह है, मात्र यहाँ से 500 मीटर बगल में मुखिया जी हैं। मुखिया जी चाहते तो एक दिन जेसीबी लाते और एक जो पाइप होता है वो बैठा सकते थे, करोड़ों रुपया फंड में आता है मुखिया जी, लेकिन आज तक शायद यहाँ पे पाइप नहीं बैठा, नहीं पुलिया बनाया गया। सोचिए क्या दिक्कत है, देखा रहे चलिए सर, देख नहीं पहले तब ना बताएंगे क्या इधर 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 पुलिया बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, नली बनना चाहिए, सर बाहर होना दिक्कत होता है सर, छोटा छोटा बच्चा लोग को मुखिया के वीडियो भी बना दिखाते हैं सर, तो कुछ भी नहीं करता है सर। मुखिया सबके मुखिया का लड़का भी दिखाया है कि देखिए घर में क्या हाल है। चलिए सर ना, पूरा यहाँ पूरा ढक लिया था, पानी इतना था, पानी हो गया था सर एक दिन में। उधर सर, उधर सर बहुत तकलीफ में रहता है सर, मगर जो कहता है सो कुछ सुन भी नहीं करता है मुखिया। में तो मुखिया जब यही सामने 500 मीटर रहता है, नहीं आता। देखिए उधर मुखिया जब यही सामने नहीं आता है सर, नहीं आता है, बच्चा को लोग भेज देता है, लड़का लोग का देखने के लिए, और फिर वो नहीं आता है देखने के लिए, कहो चलिए वीडियो बनाएंगे मुखिया दिखा देगा, तो कितना दूर है घर यहाँ के देखने के लिए आएगा तब नहीं दिखाने के लिए। मुखिया बने हुए कितना साल हो गया उनका? हो गया है 10 साल से ऊपर, हो गया 10 साल से मुखिया। हाँ सर, मतलब उसके बाद भी सड़क जुता है सर, दो बार
एक बार तो वोट क्यों जीत लिया, फिर भी जीता। जिताने वाले आप ही लोग हैं सर, हमने जिताने तो यही लगता है, कर मत कर रहा है सर। बोलता कि जने जीता है वोट, टेंगे होता तो ना बोलता हमको वोटवा दीजिए, दे देते तो बोलता आप देवे नहीं किए हैं वोटवा। आ गया कॉलोनी, आ गया है सब कुछ, आ गया है, देंगे देंगे, और बस वोट दे देता तब कोई नहीं आता, का पता नहीं है। एगो कॉलोनी नहीं सर, एगो बनाए घर, बस इस तरह रह रहा है। जिसका जिसका, जिसका कॉलोनी आता उसका ऐसे रहता रहता है, उसका चूल्हा द्वार में है। आप गरीब है क्या पूछेगा, नहीं पूछेगा पढ़ा लिखा। सोचिए सोचिए जरा, सोनू विधायक जी का क्षेत्र आता है, मुखिया समीप में रहते हैं 500 मीटर, वर्तमान में कांग्रेस जेएमएम का सरकार है, और सरकार से ना सवाल पूछें तो क्या विपक्ष से पूछें? जो मौजूदा सिस्टम में लोग बैठे हैं उनसे सवाल नहीं पूछें तो किससे पूछें? किससे पूछें? सोचिए जरा, पानी जमा है, सड़क बीचों बीच बंद है, पानी पास होने का जगह नहीं है, ये हालत है झारखंड का, ये हालत है झारखंड का। और सोचिए जरा, दो दो बार मुखिया भी यहाँ से बन चुके हैं, विधायक जी भी, वर्तमान के विधायक गिरिडीह के जो सोनू सुदीप शर्मा जो भी हैं, सोनू विश्वकर्मा जी, उनका भी कभी कभी शायद से क्षेत्र में भ्रमण करने भी नहीं आते हैं। कोई किसी को मतलब नहीं है, वोट लो और एसी का कमरा में घुस जाओ, 5 साल फिर मौज करो और फिर वोट लेने आ जाओ गाँव। ये हालत है झारखंड का। बस आप लोगों से अपील है कि ऐसे ऐसे सिस्टम में जो लोग बैठे हैं, जो इस तरह का रवैया अपना रहे हैं, सड़क का हो चाहे और भी अन्य काम को लेकर के हो, उन सब को सिस्टम से साइड करिए। सरकार का कोई गलती नहीं है, सरकार ने तो रोड दे दिया है, लेकिन जो बनाने वाले इंजीनियर हैं, जो यहाँ पे बना रहे हैं, वो सब का ये सब पूरा 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 का पूरा जो है सब करसमा है, ये सब वो लोग काम करते हैं, क्या करेंगे वो लोग? उन्होंने तो ठीका देकर के करोड़ों रुपया भेज दिया आपको, अब आप यहाँ पे पुल बचा लीजिएगा पैसा, पुल का तो कभी जो साइड का नाली होता है उसका पैसा बचा लीजिएगा, कहाँ से होगा? आपके परिवार वाले भी सब मरेंगे, ऐसे मर जाएंगे, क्योंकि आप गरीब का पैसा खा रहे हैं, गरीब का जो है दिया हुआ धन आप लूट रहे हैं। बस आप लोगों से अपील है, आपके लिए मेहनत करते हैं, थोड़ा सा सरकार तक पहुँचाइए इसको और दिखाइए कि मौजूदा स्थिति क्या है। बाकी आप क्या सोचते हैं, ऐसे ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करना हमारा, बहुत धन्यवाद, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, बहुत धन्यवाद, जोहार, जय हिंद।